फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि केले के ऊपर के इन लंबे लंबे रेशों को क्या कहते हैं? क्या आपको पता है कि आर्टिफिशियल डेड बॉडी बनाने के लिए इतना खर्चा आता है? क्या आप जानते हैं कि ऊबर से हेलीकॉप्टर भी बुक किया जा सकता है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, होपिंग यू ऑल टू बी ग्रेट। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स देखना चाहते हैं तो बनी रहिए हमारे साथ वीडियो की एंड तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में भी बहुत अच्छी जानकारी दी गई। प्लीज चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि हम आप तक लाएंगे इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स का भंडार, बिकॉज वी हैव गॉट इट राइट। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। फैक्ट नंबर 1। फ्रेंड्स, आपने स्विगी से कभी ना कभी तो ऑर्डर प्लेस किया ही होगा खाने का, पर क्या आप जानते हैं कि स्विगी पर 2021 में सबसे ज्यादा ऑर्डर की जाने वाली डिश कौन सी है? फ्रेंड्स, 2021 में स्विगी पर सबसे ज्यादा ऑर्डर की जाने वाली डिश है बिरयानी। इंडियंस ने पर मिनट 115 बिरयानी ऑर्डर की थी 2021 में, जो कि टोटल बनता है 2.1 मिलियन ऑर्डर्स। और डेजर्ट में यानी मीठे में सबसे ज्यादा ऑर्डर की जाने वाली डिश थी गुलाब जामुन। फैक्ट नंबर 2। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे लंबी जीभ किसकी है? फ्रेंड्स, इनका नाम है प्रवीण। ये 20 साल के हैं और तमिलनाडु में रहते हैं, और इनका नाम इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। और अगर फॉरेन की बात करें तो निक स्टोबल एक ऐसे इंसान हैं जिनकी जीभ सबसे लंबी है। इनकी जीभ 10.1 सेंटीमीटर की है, वहीं प्रवीण की जीभ 10.8 सेंटीमीटर लंबी है। निक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टंग। फैक्ट नंबर 3। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि कॉर्निया शरीर का ऐसा हिस्सा होता है जिसमें खून नहीं होता है, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। ये डायरेक्टली ऑक्सीजन हवा में से लेता है। कॉर्निया हमारे शरीर का सबसे जल्दी ठीक होने वाला टिश्यू है। दस जितने भी कॉर्नियल एब्रेशंस होते हैं वो 24 से 36 घंटे में ठीक हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 4,855 लोगों ने बारिश में घंटों लाइन लगाकर वेट किया कि वो मैच हैं एक 5 साल के रेयर कैंसर से लड़ते हुए बच्चे के लिए। इस बच्चे का नाम ऑस्कर है। उसकी टीचर का ये कहना है कि मैं 20 साल से पढ़ा रही हूँ, पर मैंने कभी ऐसे किसी को सफर करते हुए नहीं देखा। ऑस्कर को डायग्नोज हुआ था ल्यूकीमिया 28 दिसंबर को। ये सर्च ऑस्कर के पेरेंट्स ने शुरू की थी ऑस्कर का मैच ढूंढने के लिए। ये सर्च ऑस्कर के स्कूल में ही की गई थी। फैक्ट नंबर 5। फ्रेंड्स, अगर आपको अपने दुश्मन को थप्पड़ मारने का मौका मिल जाए तो आप और हम दोनों कोई कसर नहीं छोड़ेंगे अपना हाथ साफ करने में। फ्रेंड्स, ऐसे ही मारने का एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है दुनिया में। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये कहाँ मनाया जाता है? चलिए मैं बताती हूँ। फ्रेंड्स, ये फेस्टिवल मनाया जाता है बोलीविया में। इसे टिंकू फेस्टिवल कहा जाता है। यहाँ लोग एक दूसरे को मारते हुए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। इस फेस्टिवल के दौरान मर्द और औरतें अलग अलग कम्युनिटीज की मिलते हैं, और इसकी शुरुआत होती है डांस से, यानी नाचने से। ये फेस्टिवल मई में मनाया जाता है और इसके कॉस्ट्यूम्स यानी कपड़े बड़े ही कलरफुल होते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको इस फेस्टिवल के बारे में जानकर? फैक्ट नंबर 6। फ्रेंड्स, क्या आप पूर्व इसरो के चीफ डॉक्टर के सिवन के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको उनके बारे में बताते हैं कुछ लेसर नोन फैक्ट्स। फ्रेंड्स, इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के सिवन एक किसान के बेटे हैं, और ये अपनी फैमिली में एक अकेले ग्रेजुएट हैं, जो कि अब दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो को लीड कर रहे थे। डॉक्टर सिवन इसरो में काम करने से पहले विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में एज अ डायरेक्टर काम किया करते थे। ये कन्याकुमारी से हैं, जो कि तमिलनाडु में है। वो ऑलमोस्ट 36 साल के बाद इसरो के चीफ बने। उनके बाद अब इसरो के चीफ एस सोमनाथ हैं। फैक्ट नंबर 7। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि एक अमेरिकन स्टडी के बाद साइंटिस्ट ने कहा था कि इंसान का मृत शरीर कृत्रिम रूप से बनाने के लिए यानी आर्टिफिशियल रूप से बनाने के लिए $5 ट्रिलियन यानी 350 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 8। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में लोहे यानी आयरन की मात्रा कितनी होती है? फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हमारे शरीर में लोहे की मात्रा इतनी होती है कि इससे 3 इंच लंबी कील बनाई जा सकती है। ये आयरन मोस्टली ब्लड में होता है। फैक्ट नंबर 9।
फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा देश है जहां आप उबर में चॉपर भी बुक कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आप दुबई में उबर चॉपर भी बुक कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ रेगुलर उबर राइड। और ये सफर अटलांटिस द पाम के ऊपर बने हेलीपैड से शुरू होता है। इसे उबर कॉप्टर भी कहते हैं और इसकी टाइमिंग 10 बजे से 4:30 बजे तक होती है। फ्रेंड्स, आप इसे उबर की ऐप से बुक कर सकते हैं। लोकेशन कंफर्म होने के बाद उबर टैक्सी आपको आपके लोकेशन से पिकअप करती है और हेलीपैड तक ले जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन और क्या आप इस उबर चॉपर या उबर कॉप्टर की सवारी लेना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आते हैं हमारे आज के लास्ट फैक्ट यानी फैक्ट नंबर 10 पर। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि केले के ऊपर जो लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, उन्हें कहते हैं फोलियम बंडल्स और कॉमन लैंग्वेज में इन्हें बनाना स्ट्रिंग्स भी कहते हैं। और ये बाकी फ्रूट की तरह ही न्यूट्रिशियस होते हैं। दे आर पैक्ड विद पोटाशियम, फाइबर, विटामिन ए एंड विटामिन B6। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 10 रोचक फैक्ट्स। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। So this is me signing off from Fact Sides. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखें।